हेलो सर, मैं नीलांजल कुमार। मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है एचआरएमएस से संबंधित। एचआरएमएस से संबंधित वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तो आप वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है, अगर कोई एम्प्लॉय का सैलरी ज़्यादा ले लेते हैं तो उसे कैसे रिकवर किया जाता है, इसके बारे में आज जानेंगे। अगर किसी रेगुलर एम्प्लॉय का सैलरी, जैसे बेसिक पे ज़्यादा ले लिए हो, डीए ज़्यादा ले लिए हो, एचआरए ज़्यादा मिल गया हो या अदर अलाउंस ज़्यादा मिल गया हो, तो उस एम्प्लॉय का सैलरी कैसे एचआरए में से रिकवर किया जाता है, इसके बारे में आज जानेंगे। सैलरी रिकवरी करने के लिए सबसे पहले एचआरएमएस के वेबसाइट hrms.bihar.gov.in पर जाएंगे। एचआरएमएस के वेबसाइट पर जाने के बाद सबसे पहले मेकर का यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले साइन इन एज पर क्लिक करके एम्प्लॉय मेंटेनेंस मेकर पर क्लिक करेंगे। जैसे एम्प्लॉय मेंटेनेंस मेकर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पांच ऑप्शन खुल जाता है। सस्पेंशन मैनेजमेंट है, रिपोर्ट है, एम्प्लॉय मेंटेनेंस मेकर है, टास्क लिस्ट है, लोन मैनेजमेंट है। तो हम एम्प्लॉय मेंटेनेंस मेकर पर क्लिक करके यहाँ पर देखिए ऑथोराइज स्लैश रिकवरी फॉर्म एम्प्लॉय सैलरी है, तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसी ऑथोराइज रिकवरी फॉर्म एम्प्लॉय सैलरी पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक फॉर्म खुल जाता है। यहाँ पर देखिए सेलेक्ट एम्प्लॉय डिटेल है, जिस एम्प्लॉय को हमको रिकवर करना है वो यहाँ से हमको उस एम्प्लॉय को यहाँ सेलेक्ट करना होगा। एम्प्लॉय में जाके सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सर्च कर लेंगे। जैसी सर्च कर लेंगे, सर्च करेंगे तो यहाँ पर उनका पूरा डिटेल आ जाता है। एम्प्लॉय आईडी आ जाता है, एम्प्लॉय नेम आ जाता है, डिग्नेशन आ जाता है, मोबाइल नंबर, जीपीएफ हॉली प्राण नंबर आ जाता है, ज्वाइनिंग डेट है वो आ जाता है, कौन से ऑफिस से बिलोंग करते हैं वो यहाँ शो करता है। तो देखिए आप क्या करना है, यहाँ फ्रॉम डेट है और टू डेट है। जैसे अगर मान लिया जाए किन्हीं एम्प्लॉय को इंस्टॉलमेंट में रिकवरी करना होता है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ है कि डेट डालना है। अगर हम इंस्टॉलमेंट में है तो कितने मंथ में हमको रिकवरी करना है, जितने मंथ को हमको रिकवरी करना वो यहाँ डेट डालना है। मान लिया किसी एम्प्लॉय को चार मंथ में उनका रिकवर करना है तो चार मंथ का यहाँ डेट डालना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ डेट डालने का है। उसके पहले यहाँ ऑथराइज रिकवर फ्रॉम है, यहाँ देखिए दो ऑप्शन आता है, एम्प्लॉय पेई है और हेड ऑफ अकाउंट है।
यहाँ देखिए इसमें हेड ऑफ अकाउंट को पर टिक कर देंगे। और देखिए फ्रॉम डेट है तो हमको जितना इंस्टॉलमेंट में हमने रिकवर किया था, रिकवर हमने ऑर्डर शीट में बनाया है कि हमको 4 महीना में करना है या 5 महीना में करना है या 10 महीना में करना है, तो यहाँ डेट आपको डालना होगा। तो डेट डालने के लिए देखिए हमको इनको जब से करना है तो यहाँ हम डेट सेलेक्ट कर लेंगे। फ्रॉम डेट होगा तो जिस मंथ से हम करें उसका फर्स्ट डेट होगा, और टू डेट होगा तो जिस महीना को हमको लास्ट में करना है तो उसको लास्ट डेट हमको डालना होगा। डालने के बाद यहाँ पर देखिए रिमार्क ऑब्लिक रीजन है, तो रिमार्क ऑब्लिक रीजन में लिख देंगे कि किस कारण से इनका ज्यादा पेमेंट मिला था, वो लिख देंगे। और नहीं तो यहाँ कोई अति यहाँ लिखना कोई जरूरी भी नहीं, अगर लिख दीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ लिख दिए एक्स्ट्रा सैलरी पेमेंट, क्या किनका एक्स्ट्रा मिल गया था इसीलिए यहाँ लिख देते हैं रिमार्क ओरिजिन में एक्स्ट्रा सैलरी पेमेंट। फिर यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ सैलरी डिटेल है तो सैलरी डिटेल में रहता है ग्रॉस अर्निंग कितना है, ग्रॉस डिडक्शन कितना है, नेट अर्निंग कितना है, वो यहाँ सब शो करेगा। पेबल अमाउंट ऑफ पे है, पेबल अमाउंट टू एचआर है, और नेट पेबल अमाउंट टू एम्प्लॉय है, तो यहाँ सब शो करता है। फिर यहाँ देखिए हेड ऑफ अकाउंट डिटेल है, तो हेड ऑफ अकाउंट डिटेल के नीचे ये आईड्रो है, ये आईड्रो पर क्लिक करेंगे और यहाँ हेड ऑफ अकाउंट को सर्च कर लेंगे। यहाँ जैसे ही हेड ऑफ अकाउंट पर सर्च करेंगे तो यहाँ पर हेड ऑफ अकाउंट डिटेल खुल जाता है। यहाँ हेड ऑफ अकाउंट फिल्टर है, तो फिल्टर है तो यहाँ हमको हेड ऑफ अकाउंट डालना होगा। हेड ऑफ अकाउंट डालने के बाद यहाँ सर्च पर क्लिक करेंगे। देखिए हेड ऑफ अकाउंट तो डालिए दिए हैं, और फिर यहाँ देखिए यहाँ पर बेसिक सैलरी का 0101 डालना होगा, फिर उसके बाद यहाँ सर्च कीजिएगा, नहीं तो यहाँ लिख देगा इंटर 19 डिजिट ऑफ हेड ऑफ अकाउंट, यहाँ 0101 लिखना होगा, उसके बाद सर्च कर लेंगे तो यहाँ पर सर्च हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए डिग्नानेशन है, उनका डिग्नानेशन आ गया। फिर यहाँ देखिए सैलरी ऑथराइज रिकवर अमाउंट है, तो हमको कितना अमाउंट रिकवर करना है वो यहाँ डालना होगा। पहले आपको फिक्स करना होगा कि कितने को, जैसे कि 5 महीना का हमने रिकवर किया तो उसमें 5 मंथ का सेम अमाउंट होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना होगा। अमाउंट डालने के बाद यहाँ सेव पर क्लिक कर देंगे। जैसी सेव पर क्लिक करेंगे तो आपका एक मैसेज चला आ जाता है, एम्प्लॉय रिकवरी फॉर हेड ऑफ अकाउंट क्रिएटेड विथ रेफरेंस नंबर, इतना रेफरेंस नंबर आ जाता है। अब यहाँ से इसको कट कर लेंगे। फिर यहाँ नीचे आएंगे, फिर आप क्या करना है, यहाँ एक्शन आ जाता है, तो एक्शन में यहाँ सेंड टू है, यहाँ देखिए यहाँ चेकर है,
तो चेकर पर फॉरवर्ड करेंगे। अगर चेकर नहीं रहते तो सीधे यहाँ अप्रूवल पर फॉरवर्ड हो जाता। तो यहाँ मेकर और चेकर एक ही आदमी है, इसीलिए एक ही आदमी को दोनों बनाया हुआ है, मेकर और चेकर। यहाँ चेकर को सिलेक्ट करेंगे और रिमार्क में लिख देंगे प्लीज चेक एंड फॉरवर्ड। रिमार्क में लिखने के बाद यहाँ फॉरवर्ड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही फॉरवर्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक मैसेज आ जाता है, हैव यू वेरीफाइड ऑल डिटेल आर करेक्ट कंफर्म टू प्रोसीड। यहाँ से इसको यस कर देंगे। जैसे यस करेंगे तो एक मैसेज आ जाता है, सक्सेसफुल्ली इनिशिएटेड वर्क फ्लो ऑफ द एम्प्लॉय रिकवरी विथ रेफरेंस नंबर, इतना रेफरेंस नंबर आ जाता है। यहाँ से इसको ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे तो यहाँ से मेकर और चेकर एक ही आदमी है, यहाँ से चेकर पर फॉरवर्ड हो गया मेकर से। आप फिर क्या करेंगे, जब एक ही आदमी है तो हमको फिर से इनको लॉगआउट और लॉगिन नहीं करना, फिर यहाँ पुनः साइन एज पर क्लिक करके एम्प्लॉय मेंटेनेंस चेकर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही एम्प्लॉय मेंटेनेंस चेकर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन आता है, रिपोर्ट है और टास्क लिस्ट है। तो टास्क लिस्ट पर क्लिक करके इनबॉक्स पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इनबॉक्स पर क्लिक करेंगे तो जो हमने मेकर से चेकर पर फॉरवर्ड किया था वो यहाँ शो करेगा। यहाँ रेफरेंस नंबर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही रेफरेंस नंबर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से पूरा डिटेल उनका खुल जाता है। अब क्या करना है, एक्शन है, एक्शन टेकन है, तो यहाँ सेलेक्ट करना है फॉरवर्ड टू अप्रूवल। अगर लगता है कि गलत है तो यहाँ से सेंड बैक कर सकते हैं, अगर सही हो तो फॉरवर्ड टू अप्रूवल पर क्लिक करेंगे और सेंड टू में यहाँ अप्रूवल पर अप्रूवल को सिलेक्ट कर लेंगे और रिमार्क में लिख देंगे प्लीज अप्रूव। लिखने के बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक मैसेज चलाता है, हैव यू वेरीफाइड ऑल डिटेल आर करेक्ट कंफर्म टू प्रोसीड। यहाँ से इसको यस कर देंगे। जैसे यस करेंगे तो एक मैसेज और आ जाता है, एप्लीकेशन फॉरवर्डेड सक्सेसफुल्ली। यहाँ से इसको ओके कर देंगे। फिर यहाँ से है, अब यह मेकर चेकर एक ही है तो इनका आईडी लॉग आउट करेंगे। जैसे ही लॉग आउट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक मैसेज चलाता है, हैव यू वेरीफाइड ऑल आर यू श्योर यू वांट टू लॉग आउट कंफर्म टू प्रोसीड। यहाँ से इसको यस कर देंगे। अब यहाँ से क्या कहते हैं, मेकर और चेकर से हमने अप्रूवल पर यहाँ से फॉरवर्ड किया है। अब यहाँ से क्या करेंगे, अप्रूवल का यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले यहाँ साइन इन एज पर क्लिक करके क्लिक करेंगे और यहाँ पर साइन एज पर क्लिक करके यहाँ देखिए यहाँ ढेरे ऑप्शन आता है। आने का यहाँ रीजन है कि एक डीडीओ है जो दो तीन ऑफिस से कनेक्टेड है, इसीलिए यहाँ सब ऑफिस शो करता है। तो जो हमारा ऑफिस रहेगा एम्प्लॉय मेंटेनेंस अप्रूवल उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही एम्प्लॉय मेंटेनेंस अप्रूवल पर क्लिक करेंगे
यहाँ पर चार ऑप्शन आता है, इम्प्लॉय मेंटेनेंस अप्रूवल है, टास्क लिस्ट है, रिपोर्ट है और ई बिलिंग है। तो हमें टास्क लिस्ट पर क्लिक करके इनबॉक्स पर क्लिक करेंगे। जैसे इनबॉक्स पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक, तो यहाँ पर जो हमने चेकर से अप्रूवल पर फॉरवर्ड किया था वो यहाँ शो करेगा। अब यहाँ इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ एक्शन है, एक्शन या एक्शन टेकन है, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ तीन ऑप्शन आता है, अप्रूव एंड ई साइन है, रिजेक्टेड है, सेंड बैक है। अगर लगता है कि आपको या हमने रिकवर बनाया था तो गलत है तो इसको रिजेक्ट कर सकते हैं, सेंड बैक कर सकते हैं। अगर सही है तो यहाँ अप्रूव एंड ई साइन पर क्लिक करेंगे और रिमार्क में लिख देंगे प्लीज अप्रूव। अप्रूव लिखने के बाद यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक मैसेज चलाता है, हैव यू वेरीफाइड ऑल डिटेल आर करेक्ट, कन्फर्म टू प्रोसीड। यहाँ से इसको यस कर देंगे। जैसे यस करेंगे तो यहाँ से है जो अप्रूवल की आईडी, अप्रूवल के मोबाइल पर ओटीपी चला जाता है। अब यहाँ से ओटीपी लेंगे। ओटीपी लेने के बाद यहाँ वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। जैसे वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक मैसेज आ जाता है, एप्लीकेशन अप्रूव सक्सेसफुल्ली। यहाँ से इसको ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे तो आपका है जो जो हमने रिकवरी बनाया था वो इस तरह से आप रिकवरी किसी भी रेगुलर एम्प्लॉय को सेट कर सकते हैं एचआरएमएस में। और जैसे सेट कर लिए हैं और जब भी इस एम्प्लॉय का वेतन बनाएंगे तो जितना हमने रिकवर अमाउंट डाला था वहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। इस तरह से आप किसी भी एम्प्लॉय का अगर सैलरी ज़्यादा मिल गया हो तो इस तरह से आप किसी भी एम्प्लॉय को सेट कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि यह वीडियो को शेयर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ थैंक यू।